शांति पैदाई जहाँ जहाँ हमारे दीनी मामला मसल के अतबार से उसको साथ के लिए काम करना, अवाम में जो है दीदी उसको दूर करना, मदारिस व मसाजिद कायम करके उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इस सिलसिले में सारा ये हमारी तहरीक है। उसके हमारी ये सेक्रेटरी साहब का तारुफ करेंगे आपको कि यहाँ के बाड़ी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा इमामों के हालात बड़े बुरे हैं बहुत सारे गाँव में देहातों में, उनके लिए भी हमारी ये कोशिश करेगी एनजीओ के उनके लिए भी बहुत सारी जगहों पे लोग बच्चों की फीस आज हमारी तहरीक अमन इस्लाह का वफ़ जिसमें हमारी ज़िला पुंछ की जो बाड़ी थी हम सब आकर के वफ़ किए तो एजीम साहब से मुलाकी हुए हैं। हमारा इसका आज का ये मकसद ये था कि हमारी तहरीक जो सूबाई लेवल पर है सुबह जम्मू में ये पूरी तहरीक है हमारी तहरीक अमन इस्लाह, इसके बानी सरपरस्त तो मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो खिदमत है वो मुझे पेश की गई है। मेरे साथ में मौलाना निसार सुल्तानी साहब जी जनरल सेक्रेटरी हैं और नायब सदर हमारे जावेद साहब, सदर है हमारी तस्वीर मेंबर के मुफ्ती इश्तियाक साहब। तो हमारी इस तहरीक का मेन मकसद यही है कि भाई पूरे जम्मू कश्मीर पर के हिंदुस्तान के अंदर अमन आश्ती को फैलाया जाए, आम किया जाए, या जहाँ इस वक्त जो फ़िज़ाएँ हैं मतलब नफरत की उसको दूर किया जाए और बिलखसूस हमारी जो मसाजिद हैं जो मदारिस हैं उनमें जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए और मसाजिद मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील दी जाए और दीनी जो हमारी कमज़ोरियाँ उसको दूर किया जाए। और उसके साथ साथ में यह है कि जो आज कल इस हालात हाजरा के अंदर जो है वक्त हाजिर के अंदर जो हमारे नौजवान बच्चे ड्रग्स के अंदर तरह तरह के मनशियात के अंदर डूबे हुए हैं, तो हमारा एसडीएम साहब को भी ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे, हम आपके साथ हैं ताकि हम सब मिल करके इस बुराई को भी दूर करें और जो बाकी भी बुराइयाँ यहाँ पर हैं समाज के अंदर जो हैं उसको दूर करने की हम सब मिलकर कोशिश करें। हमारा यही मकसद था और अल्लाह ताला हम सबको इस मकसद में कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।